हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चों डेट है वो है 9 दिसंबर 2020, और जो आपकी बेटा वर्कशीट का जो संख्या है वो है 21। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना बेटा नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक बात और कि बच्चों, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो हम समझते हैं क्या कि अब फॉर्मल लेटर्स के बारे में आज हम समझते हैं कि फॉर्मल लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज़। ये जो आपका जो फॉर्मल लेटर होता है कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। दीज लेटर आर जनरली रिटन टू एन एडिटर। ये किसी आप एडिटर को लिख सकते हैं। जो एडिटर कौन होते हैं, ये जो न्यूज़पेपर के भी एडिटर होते हैं उनको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, आप हायर अथॉरिटी को लिख सकते हैं, ऑफ एन ऑफिस या इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑफिस की हायर अथॉरिटी है, बहुत बड़ी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको लिख सकते हैं आप, या कोई भी इंस्टीट्यूशन के क्या है अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं। तो ये इनको लिखने के लिए जो लेटर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो क्या है कि थिंक ऑफ सिचुएशंस वैन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। कि आप क्या उन सिचुएशन को सोचें जिसमें क्या है आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने का सोचते हैं। तो क्या क्या हो सकती है ये आपको देखो ये बता भी रखें, कहाँ कहाँ आप अपनी प्रिंसिपल को क्या है लेटर लिख सकते हैं। कि एप्लीकेशन फॉर लीव, जब आपको क्या एप्लीकेशन के लिए लीव लेनी हो तब आप क्या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप के लिए क्या उनको जो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटिट्यूड देने के लिए उनको, मतलब अपना आभार प्रकट करने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, या कुछ फैसिलिटीज़ जो है उनको देने के लिए, कहने के लिए कि आप हमें प्लीज़ ये फैसिलिटीज़ दे दीजिए। और जो फाइन होते हैं उसका रीमिशन के लिए आप क्या है, ये आपके बहुत सारी क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप अपनी प्रिंसिपल को राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। फिर क्या है, लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब हम क्या है लर्न करते हैं कि आपको आप अपने प्रिंसिपल किस तरीके, ये फॉर्मेट क्या होगा आपको लिखने का, क्योंकि ऐसे नहीं आप ऐसे ही पकड़ा देंगे कुछ भी लिख के। तो उसका क्या एक फॉर्मेट होता है, बी क्या है कि अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपको क्या है एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद स्कूल का नाम आता है, स्कूल का एड्रेस आता है, फिर डेट आपकी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप क्या है जो डेट है उसको पहले लिख के फिर उसका मंथ लिख के फिर जो ईयर चल रहा है वो, या पहले आप क्या है मंथ लिख दें फिर आप डेट लिख के फिर कोमा लगाना है फिर क्या है आपको ईयर लिखना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर। अब लेटर किस पर्पज़ के लिख रहे हैं, अब लीव के लिए लिख रहे हैं या किसके, कौन सा पर्पज़ है आपका उसके लिख रहे हैं। सिचुएशन सैल्यूटेशन किसको लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, मैडम को लिख रहे हैं। बॉडी ऑफ लेटर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा कि आप इंट्रोडक्शन क्या है, कंटेंट क्या है, कंक्लूजन क्या निकला उस लेटर का। फिर थैंक आएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्लोज योर्स ऑब्डेंटली, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन। ये आपका क्या है, ये एक फॉर्मेट है, इसको बेटा आप उतार के क्या है रख लेना क्योंकि फॉर्मेट आपका बहुत काम आएगा। इसी फॉर्मेट से क्या है आपको फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग लेटर्स टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। के आपको जो ये बॉक्स दे रखा है इससे क्लूज लेके आपको ये क्या है सारा भरना है। तो हम भरने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जैसे एग्जाम्पल के नाम पे SKV होता है किसी के स्कूल का, वो लिख दो। अगर SB होता है जो लड़कों का होता है वो लिख दो, या GGSSS, ये क्या लड़कियों के लिए, लड़कियों का स्कूल होता है, या GGGBSS, ये लड़कों का, ये जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पे आप क्या है लिख दें। इनमें से कोई से जो क्या है कोई सा भी जो नाम है आप वो लिख दो। इसके बाद क्या है स्कूल एड्रेस, कहाँ का है वो, विकासपुरी का है वो, या वो रोहिणी का है, या वो शहादरे का है, जो भी जहाँ का भी आप स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे उसका क्या है एड्रेस आएगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद क्या है आपको डेट लिखनी है। डेट का जो फॉर्मेट है आपका, डेट का फॉर्मेट ये है, इस तरीके से ही आपको डेट लिखनी है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपकी, जैसे आज क्या डेट है आपकी इस वर्कशीट की, वो आप पहले क्या है 9 लिख देंगे आप, फिर नवंबर लिख देंगे, सॉरी दिसंबर लिखेंगे, फिर क्या है पूरा लिखेंगे। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या पहले आप क्या है मंथ का नाम लिख सकते हैं,
फिर डेट लिखनी है आपको, फिर कॉमा लगाना है, और फिर जो ईयर आता है वो लिखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप डेट लिखेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ बच्चों। अब क्या सब्जेक्ट, डेट डेट हो गई हमारी। अब सब्जेक्ट लीव फॉर कितने दिन के लिए, यहाँ पे आपको देखो 3 डेज के लिए, क्या लीव फॉर 3 डेज फॉर सिस्टर्स मैरिज, क्या है मैरिज, सिस्टर की मैरिज के लिए आपको क्या है 3 दिन की क्या है छुट्टी लेनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, लीव फॉर, ये छोटा बनाना टी, लीव फॉर 3 डेज फॉर सिस्टर्स मैरिज, के आपको अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए क्या 3 दिन की क्या है लीव लेनी। ये बच्चे आप यहाँ लिखो, फिर मैं रब करती हूँ। लिख लिया, ठीक है। अब सर या मैडम कोई भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं। आई एम यहाँ पे आपको क्या है नाम देना है, यहाँ पे आपका क्या है नाम नहीं लिखा है, इसमें आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, सना हो सकता है, जो भी आपका नाम है, बबलू हो सकता है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे वो आएगा। आई एम अ सना या ऑफ क्लास, यहाँ पे आपकी 6th लिखा हुआ है, 7th होना चाहिए था, ऑफ योर स्कूल। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन, क्या रखा, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन कौन सी डेट पे, जो है आपकी जो सिस्टर मैरिड करने वाली है वो है आपकी 10, ठीक है। 10 आप फॉर्मेट जो है इस तरीके से लिखेंगे, जो आपको फॉर्मेट है आपको 10 दिसंबर पूरा लिखना है आपको, 10 दिसंबर 2020 के आपकी जो बहन है वो इस दिन क्या है शादी करने वाली है। क्या लिखेंगे आप कि आई एम सना या बबलू, जो भी आपका नाम है, ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 10 दिसंबर 2020, इतना हो गया। फिर है आई रियली विश टू, आई क्या है, आई आई रियली विश टू डैश दिस जॉयस, मैं क्या है आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे नाम, यहाँ पे स्टूडेंट भी आ सकता है आपका, क्योंकि इन्होंने क्या है स्टूडेंट दे रखा है आपके इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या है एक बार देख, ठीक है बच्चों। फिर क्या है हमारा, क्या है आई रियली विश, हमें क्या करना चाहिए, आई रियली विश टू इंजॉय, हम क्या लेंगे, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, इंजॉय दिस जॉयस ओकेशन, क्या ये जो ओकेशन है बहुत अच्छा है, जो ये ओकेशन है मैं इसको क्या है इंजॉय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई विल नॉट एबल टू, आप क्या कहेंगे, आई विल नॉट एबल, क्या मैं एबल नहीं हूँ, आई विल नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन, यहाँ पे क्या आएगा ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 डेज फ्रॉम, जो आप डेट बता देंगे फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, जहाँ से आपने छुट्टी ली, जैसे आपने 9 दिसंबर से, कहाँ तक छुट्टी लिखी है आपने, 11 दिसंबर तक, ठीक है। वो आपको डेट क्या है मेंशन करनी पड़ती है, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे 2020, ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। काइंडली, इतना लिखने के बाद यहाँ पे काइंडली, यहाँ पे क्या आएगा ग्रांट, ठीक है, इतना पहले आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इतना लिख लिया, अब है काइंडली ग्रांट, यहाँ पे ग्रांट आएगा मी लीव फॉर दीज 3 डेज, कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 डेज, थैंक यू योर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी आपका है सना या जो भी है, क्लास है आपकी 6th दे रखा है, इसमें 6A B C जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फॉर्मेट है, मैंने आपको एक बार बता दिया, एक बार और हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब यहाँ प्रिंसिपल का नाम, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, जो भी है SKV BSK GSV जो भी है, विकासपुरी रोहिणी शाहदरा, डेट और फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेट का किस तरीके से आपको डेट लिखनी है, ऐसे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या था आपका कि सब्जेक्ट क्या, लीव फॉर 3 डेज फॉर सिस्टर्स मैरिज, सर मैडम आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 10 दिसंबर 2020, आई रियली विश टू इंजॉय, आई रियली विश टू इंजॉय दिस जॉयज ओकेशन, आई विल नॉट
एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 डेज फ्रॉम 9 दिसंबर टू 11 दिसंबर, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे क्लास, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की जो है लेटर लिखना आपका, हमने आपको सिखाया है किस तरीके से फॉर्म में लेटर आप लिख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो लाइक का बटन दबा के बताइएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बच्चों एक बात और कि हमारा जो चैनल है वो केजी क्लास से 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट अवेलेबल करता है आपको एक दिन पहले, तो प्लीज़ जाके जरूर देखें। हो सकता है ऊपर नीचे वर्कशीट्स हो गई हों, तो प्लीज़ आप इतना कष्ट उठा लेना और देख लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बच के रहिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए प्रीशियस हैं, और अपनी देखभाल करते रहिएगा। बाय बच्चों।